कोई ना सोचे कि असं पंच मंगे ना तो जे करे लड़ाई ना लड़ी तो किसी ने नहीं बचना। किस तरीके के नाल सुखदाए नजायज फायदा खा लिया सब तो पहले मैं लास्ट गल ये कहनी चाहता कि एजुकेशन के उत्ते दोस्तों का नारा आप बोलो तुम्हें फिर भी असं संगियां पहुंच सकते हैं। आओ थानू मिलाने एक होर वीर जी के नाल उन्होंने नाल गलबात करते हैं। सत श्री अकाल जी, की नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम है केड़ी पोस्ट ते हो तुसी लोक इंसाफ पार्टी दे? मैं सोशल वर्क। ठीक है जी सर, तुसी हुण तक की सोशल वर्क कीता? आई मीन टू से कि तुसी हुण तक अपने पिंड ले जां लोकां दे लई केड़ा केड़ा काम है जिहड़ा इदां दा कीता? बिकॉज तुसी स्पीच बहुत वधिया दिंदे हो पर मैनूं तुहाडे कम्मां दे बारे वी जानण दा थोड़ा जिहा हो रिहा कि मैं तुहाडे कम्म वी जानदा कि तुसी की कम्म करदे हो। छोटे मोटे कोई कम्म होंदे हो करदे ते असीं जाणदे हां। वैसे मैं तां लोकां नूं अवेयर करदा क्योंकि मैं इक राइटर वी आं, इस करके मैं थोड़े लोगों को अवेयर करता क्योंकि मैं गल कहनी चाहना सारे लोगों के जो चार दीवारी के साडा परिवार है उन्होंने परिवार ना गल समझा करो कि साडा चार दीवारी बस ये ठीक ठाक रहा ना। जो तुम घर का दरवाजा खोल के बाहर निकलते हो बाहर थोड़ा अपना पंजाब है बाहर थोड़ा अपना देश है, सो बाहर भी सानू ख्याल रखना पड़ेगा। जिदा कि सानू पिंडां दे विच मैं करनाले इत्थे भी कहना चाहुंदा कि पिंडां दे विच जिहड़ा साडा खलारा पै चुका है सरपंचियां पंचियां दे जिहड़े अहुदेयां दे लई इन्ना घाट कीता जांदा लोकतंत्र दा, माड़ियां मोटियां चौधरां दे लई जिहड़ा हैगा मैं पिंडां वालियां नूं बेनती करना चाहुंदा कि प्लीज़ वह इन्हां लीडरां दे पिछे मतलब लाके ना लगन और जिहड़ा हैगा सरबसंमतियां दे नाल जदों पंचायतां साडियां चोणां होण लग पईआं ऑटोमैटिकली जिहड़ा हैगा इह जिहड़ा हैगा इलेक्शन सडनली हो गए हटने लोकल इलेक्शन जो हो गए हटे ने और गाहां इलेक्शन 2022 दे विच आ रहे हैं उस बारे ईवीएम के बारे बार बार गल कर रहे थे कि ईवीएम मशीन जी बंद होनी चाहिए है वह की रीजन हो गया कि तुहानू लगता है कि सच्चे फेकिंग वोट होंगी है? बिल्कुल बिल्कुल होती है क्योंकि जिदा कहते होंगे कि किसी राजे की सोचे के जान सी इदा उन्होंने की जी जान है जी वो ईवीएम के बच्चा जो एक बार ईवीएम तुम करके तो देखो तुम सर्वसंमति दे नाल क्योंकि पिंड भाई भराई सारे बसते होंगे सारे एक दूजे के रिश्तेदार साथ संबंधी होंगे ऐसी कोई बड़ी गल नहीं होती पर मुट्ठी भर जो लोग है पिंड जे चौधर के भुखे लोग आते फोकिया चौधर के भुखे लोग आते हैं उन्होंने दरअसल ये लीडर आके कैच कर लेंगे आप अपन पार्टियां रला लेंगे उ फिर सारा पिंड खराबा करते। मैं पिंड बेनती होर करनी चाहता या शहर वाले भी कि दो चार सारा पिंड सर्वसंमति ले राजी हों दो चार बंद उठ के कह दें भी सानू मंजूर नहीं उन्होंने चित्र मार के साइड पर कर दौ उसी बड़े थोड़ा रिजल्ट जो है पॉजिटिव आना शुरू हो गया। अजी एक थोड़े दिन पहला उपला पिंड दे विच एक फंक्शन किया जंग जनरेशन ने भगत सिंह शहीद भगत सिंह जी नू लैके और मोदी सरकार नू लैके किसानी जड़ा अपना चल रहा अंदोलन चल रहा लैके पार्टिसिपेट किया? दरअसल मैं दिल्ली गया होया सीगा उस बड़े मोमेंट क्योंकि मैं अपलोड करता रहना ऐसी गल नहीं मैं दो महीने उत्थे रह के भी आया दिल्ली उस दिन मेरी ड्यूटी लगी सी पिंड वालों कि मैं दिल्ली सीगा तो मैनू थोड़ा जिहा दुख भी आ कि मैं उत्थे हाजिर नहीं हो सकिया क्योंकि मैं यहो जहाँ फंक्शन छड़ता तो वैसे कोई रोंदा नहीं खैर दिल्ली के भी जो हाजरी लगानी बहुत जरूरी है सो इस करके मैं पिंड फंक्शन नहीं देख सकता और मैं जितने तक पता लगे कि बहुत वाली फंक्शन 22 तरीक न फिर जा रहे हैं पहले उस तो बाद पार्टिसिपेट करोगे? बिल्कुल जी बिल्कुल मैं तो हाजिर ही हाँ जी मैं तो समाज सेवा के लिए हाजिर हाँ मैं तो उसके लिए मैं कभी काम नहीं और मैं तो सिर्फ लोगों को यह अवेयर करता है कि तुम प्लीज खुद तो शुरुआत करो देश में असं फिर ही बचा सकते हैं क्योंकि असं देखते हैं कि यार ये नहीं सुधरना इतना नहीं सुधरना असी क्योंकि ये तो साढ़े तो बहुत चलिया साढ़े गल् जगियाँ साढ़े नैगेटिव एनर्जियाँ आ कि साढ़े देश का बेड़ा गर्क हो चुके सो सानू अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी जिस दिन असं अपने आप से शुरुआत कर ले उस दिन देश बदलना शुरू हो जाए।